हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिनोनिम्स के पांचवी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम 10 मीनिंग्स कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन। ये मीनिंग आपके हर एग्ज़ाम के लिए है, फ्रूटफुल है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो TGT हो गया, PGT, NVS, LT, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये मीनिंग आपके लिए फ्रूटफुल है। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहला देखते हैं कैजोल। कैजोल मीन्स क्या होता है? फुसलाना। क्या होता है कैजोल मीन्स? फुसलाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परसुएड। परसुएड मीन्स भी क्या होता है? फुसलाना। नेक्स्ट सेकंड है कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है? अस्पष्टवादी या खरा। जैसे कोई मतलब स्पष्ट एकदम कोई भी बात हो तो स्पष्टली वो बोल देता हो, फ्रेंक जिसको बोलते हैं, एकदम खरा बोलना, तो उसी को बोलते हैं कैंडिड। डरता नहीं हो, अगर सच है तो बोल देता है, तो उसी को बोलते हैं स्पष्टवादी या खरा बोलने वाला कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंक। फ्रेंक मिस होता है, जैसे कैंडिड हो गया, फ्रेंक हो गया, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। इसका और मीनिंग है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी बोल सकते हैं आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक। इसका मतलब है तो कैंडिड मीन्स क्या होता है? स्पष्टवादी यानी कि खरा बोलने वाला। तो यहाँ पे तीन मीनिंग मिल गई, कैंडिड हो गया एक, फ्रैंक एक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट काकस। क्या है ये? काकस। काकस मीन्स क्या होता है? शव। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? डेड बॉडी। नेक्स्ट कैविल। कैविल मीन्स क्या होता है? झूठा इल्जाम, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना, उसी को क्या बोलते हैं? कैविल। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? शिकेन। शिकेन मतलब भी होता है झूठा इल्जाम लगाना, CHICANE, शिकेन, इसका मतलब भी होता है झूठा इल्जाम लगाना। नेक्स्ट अडेज। अडेज मीन्स क्या होता है? कहावत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब भी मतलब क्या होता है? कहावत। नेक्स्ट क्रेविन। क्रेविन मीन्स क्या होता है? कायर। क्रेविन मीन्स क्या होता है? कायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिमिड। टिमिड मतलब भी क्या होता है? कायर होता है। नेक्स्ट ब्रेजन। क्या होता है? ब्रेजन। ब्रेजन मीन्स क्या होता है? बेशर्म, जिसके पास कोई शर्म नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बेशर्म। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? शेमलेस। शेमलेस मतलब क्या होता है? बेशर्म। नेक्स्ट पायस। पायस मीन्स क्या होता है? पवित्र। तो यहाँ पे पायस मतलब पवित्र, होली मतलब भी क्या होता है? पवित्र, होली। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेस्ट। चेस्ट मतलब भी होता है पवित्र। तो पायस हो गया, होली हो गया, चेस्ट हो गया, एक मीनिंग और है सेक्रेड, SACRED। सेक्रेड मीन्स क्या होता है? पवित्र। चार मीनिंग आपकी यही हो गई, पायस, चेस्ट, होली एंड सेक्रेड, इन सब का मतलब क्या होता है? पवित्र। नेक्स्ट फीबल। फीबल मीन्स क्या होता है? फीबल मीन्स होता है कमजोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीक। वीक मीन्स भी कमजोर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये शॉर्डिड। शॉर्डिड मीन्स क्या होता है? गंदा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डर्टी। एक और मीनिंग है फिल्दी, FILTHY। फिल्दी मीन्स भी होता है गंदा। तो आप तीनों मीनिंग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, शॉर्डिड मीन्स गंदा, डर्टी एंड फिल्दी। फिल्दी मीन्स भी क्या होता है? गंदा। तो ये थे आपके 10 मीनिंग्स। आपको कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि आपको मीनिंग्स और मीनिंग्स चाहिए कि 10 मीनिंग्स ही सही है एक वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।